फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट जय यादव। वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़, जहां आज मैं आप सभी के बीच आप सभी का ही पसंदीदा प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल लेकर हाजिर हूं। जी हां, सुपरस्टार स्पेशल में मैं आप सभी से बात करता हूं एक सुपरस्टार के बारे में, और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं आप सभी के ही पसंदीदा सलमान खान के बारे में। बॉलीवुड के दबंग और सुल्तान के नाम से काफी फेमस रहने वाले एक्टर सलमान खान इन दिनों क्या कर रहे हैं और किस वजह से लगातार ही खबरों का वो सिलसिला बने हुए हैं, आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। वेल, अक्सर ही जब भी सलमान खान की बात की जाती है तो बात होती है सलमान खान की शादी की भी। आखिरकार सलमान खान क्यों शादी नहीं कर रहे, क्या वजह है इसके पीछे, ऐसी तमाम कुछ खबरें वायरल होती रहती है, लेकिन सलमान कभी भी इन खबरों पर कोई भी जवाब नहीं देते। हालांकि कई बार उन्हें गुस्सा होते हुए जरूर देखा गया है। आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि कैसे सलमान की शादी जो है फिर से एक बार खबरों में आ गई। दरअसल हाल ही में कॉफी विद करण में कटरीना कैफ से एक सवाल किया गया था कि क्या वो सलमान खान से शादी करना चाहती हैं। तो इस पर कटरीना कैफ ने आखिरकार क्या जवाब दिया, आप हमारी बेहद खास रिपोर्ट में जानने वाले हैं। जी हां, कटरीना कैफ क्या कहती हैं सलमान सिंह शादी पर, और साथ ही साथ क्या मोहर लगाई है कटरीना ने सलमान सिंह शादी पर, या फिर क्या रिस्पांस सामने आया कटरीना कैफ का, आज आप देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा जहां शादी से हटकर अगर सलमान खान की प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल लाइफ पर नज़र डाली जाए तो सलमान खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अपनी फिल्मों के जरिए खासा पॉपुलर रहते हैं। अब सलमान खान जल्द ही नज़र आने वाले हैं रेस 3 में, और इससे जुड़ी भी कुछ अपडेट्स लगातार वायरल हो रही हैं। आप सभी हमारे साथ के बेहद खास प्रोग्राम में, जहां एक तरफ सलमान खान की शादी पर कटरीना कैफ ने क्या रिस्पॉन्स दिया और साथ ही सलमान खान खुद कैसे रेस 3 को लेकर काफी ज्यादा ही खबरों में बने हुए हैं जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करता हूं अपनी बेहद खास रिपोर्ट्स की, जहां आप सिर्फ और सिर्फ सलमान से जुड़ी कुछ ताजा रिपोर्ट्स देखने वाले हैं। जी हाँ, आज की अपने इस बेहद खास रिपोर्ट में हम सिर्फ और सिर्फ आज आपसे बात करेंगे सलमान खान और कटरीना कैफ के बारे में। अक्सर ही सलमान और कटरीना की जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है बॉलीवुड गलियारों में। जब भी कटरीना और सलमान साथ में नजर आते हैं तो इनकी जोड़ी को लोग इतना पसंद करते हैं कि हमेशा से ही दोनों को साथ में देखकर काफ़ी खुशी होती है, और इसका हालिया एग्जाम्पल मिला था सोनम कपूर के ग्रैंड रिसेप्शन पर। जी हाँ, कटरीना कैफ जहाँ मौजूद थी और सलमान खान भी वहाँ पर मौजूद थे, और फोटोग्राफर्स तो बस पीछे से साथ में फ़ोटो लेने की ही गुजारिश करते रहे। इस बार भी सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ सलमान खान और कटरीना कैफ पर थी, और आज अपने इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से बात करने वाले हैं कटरीना और सलमान के ही बारे में। जी हाँ, कटरीना और सलमान एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। कटरीना सलमान के परिवार से काफ़ी ज़्यादा घुली मिली हुई भी हैं, और इससे पहले भी दोनों स्टार्स का अच्छा रिलेशनशिप था जहां दोनों अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते थे। लेकिन खबरों के माध्यम से ये पता लगा कि साल 2009 में दोनों अलग हो गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार कटरीना ने यह बताया था कि सलमान खान एक बहुत ही अच्छे शख्स हैं, तो वहीं सलमान ने भी कटरीना के लिए कहा था कि कटरीना स्वीट लड़कियों में से एक हैं। बता दें आपको कि आखिरी बार सलमान और कटरीना ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म टाइगर जिंदा है में साथ में नजर आए थे, और इस सुपरहिट फिल्म ने 300 करोड़ की कमाई का बिजनेस किया था। आपको बता दें कि कटरीना कैफ और सलमान खान को लेकर अक्सर ही खबरों का बाजार गर्म रहा है, लेकिन इन दिनों कुछ और ही बातें सामने आ रही हैं। जी हाँ, खबर पहले ये सामने आई थी कि हाल ही में करण जौहर के चैट शो में कटरीना कैफ ने कुछ खुलासे किए हैं, जबकि ये चैट शो साल 2007 का है। जी हाँ, पूरी असलियत हम आपको बता रहे हैं, जहां इस शो यानी कि कॉफी विद करण में कटरीना कैफ नजर आई थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त सलमान खान को ही वो डेट कर रही थी।
ऐसे में फिर ये बात लाजमी थी कि उनकी शादी पर सवाल किया जाए, और ऐसे में करण जौहर ने अपने शो में कटरीना कैफ से एक सवाल पूछ लिया। जी हाँ, इस सवाल के बाद कटरीना के चेहरे का रंग जैसे कि पूरे तरीके से ही बदल गया। हमको ये जानकारी दे दें कि दरअसल शो में करण जौहर ने कटरीना से जब ये सवाल किया कि अगर सलमान ने आपको शादी के लिए प्रपोज किया तो आपका जवाब क्या होगा, ऐसे में सवाल को सुनते ही कटरीना आग बबूला हो गई, अपने आपे से बाहर हो गई, और खुद को संभालते हुए कटरीना ने ये जवाब दिया कि ये कोई रैपिड फायर राउंड नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, ये चीटिंग है कसम से। तो वहीं करण के सवाल के बदले में कटरीना कुछ इस तरह से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई, और साथ ही साथ इसके बाद फिर कटरीना ने काफी फोर्स किए जाने के बाद फाइनली इस सवाल का जवाब दिया, और कटरीना कैफ ने ये कहा कि करण के सवाल के बदले कटरीना कैफ रिपीट और कटरीना कैफ ने कहा कि ये उन पर ही निर्भर करता है कि वो ये कब कहेंगे। जी हाँ, कटरीना कैफ और पूरे तरीके से सलमान के ऊपर ही निर्भर करती हैं इस सवाल को। जी हाँ, पहले वो उनका रिस्पांस जानेंगी तब वो कुछ रिस्पांस देंगी, ये कटरीना कैफ ने ही कहा था। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अक्सर ही अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक काफ़ी सारी खबरों में बने रहते हैं, तो वहीं आज अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी से सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं सलमान खान के ही बारे में, और साथ ही आप सभी को बताएंगे कि आखिरकार आप सभी के पसंदीदा सलमान खान इन दिनों कहाँ बिजी चल रहे हैं और कैसे लगातार ही खबरों का सिलसिला बने हुए हैं। आपको बता दें कि सलमान खान इन दिनों काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं अपनी फिल्म रेस 3 को लेकर। जी हाँ, सलमान खान अपनी आगामी फिल्म रेस 3 की शूटिंग के सिलसिले में इन दिनों काफ़ी बिजी चल रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में हैं और शूटिंग के पहले दिन लखमना के रेतीले टीलों पर सलमान और साथ ही साथ बॉबी देओल के दृश्य फिल्माए गए। गौरव इस बात पर कि इस दौरान सलमान के फुर्सत के पलों में साइकिल चलाने का भी उन्होंने आनंद लिया। आपको ये बता दें कि रेस 3 की शूटिंग के बीच अभिनेता सलमान ने कुछ फुर्सत के पल निकाले और सलमान ने रेत पर चलने वाली कोट बाइक चलाई। जी हाँ, सलमान ने साइकिलिंग भी की और इस दौरान फिल्मी सितारों के प्रशंसकों का भारी जमावड़ा भी शूटिंग स्थल पर देखने को मिला। गौरव इस बात पर कि जैसलमेर में फिलहाल 2 दिन और शूटिंग होगी जिसमें फिल्म के क्लाइमैक्स सीन्स का फिल्मांकन किया जाएगा। गौरव इस बात पर कि फिल्म में सलमान और बॉबी देओल के अलावा अनिल कपूर, डेजी शाह और जैकलीन फर्नांडिस भी नजर आने वाली हैं। जी हाँ, इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ सलमान की फिल्म रेस 3 का ही है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चलें कि बीते दिनों सलमान खान स्पॉट किए गए थे सोनम कपूर के ग्रैंड रिसेप्शन पर, जहां अपने बिंदास अंदाज से सलमान खान ने सबका मन मोह लिया था और सलमान ने काफ़ी ज़्यादा डांस भी किया था सोनम कपूर के ही ग्रैंड रिसेप्शन पर। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने कैसे दबंग सलमान खान लगातार ही खबरों में बने हुए थे अपनी फिल्मों को लेकर। जहां सलमान की कटरीना कैफ के साथ टाइगर जिंदा है फिल्म आई थी जिसको लोगों ने भरपूर प्यार दिया, भरपूर ये फिल्म लोगों को पसंद आई, तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। जी हाँ, कमाई के जहां सारे रिकॉर्ड्स पिछले साल के आखिरी महीने में ही इस फिल्म ने तोड़ दिए थे, तो वहीं अब सलमान खान इज बैक अगेन विद अ न्यू बैंग ऑफ रेस 3। जी हाँ, रेस 3 में जहां सलमान खान के अपोजिट जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, बॉबी देओल, अनिल कपूर समेत तमाम को सितारे नजर आएंगे, तो वहीं इंतजार सिर्फ और सिर्फ सलमान की फिल्म रेस 3 का ही है। इंतज़ार तो उनके फैंस को उनकी फिल्मों के अलावा उनकी शादी का भी होता है, लेकिन अफसोस उनकी शादी से जुड़ी अभी तक भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। हालांकि हर बार सलमान की शादी पर कुछ ना कुछ खबरें, कुछ ना कुछ बातें सामने आती रहती है, कोई ना कोई अक्सर ही सलमान की शादी पर सवाल उठाते रहते हैं। आज आपने जाना कि आखिरकार कटरीना कैफ ने क्या बोला है सलमान संग शादी के ऊपर। जी हाँ, कटरीना कैफ से जहाँ ये सवाल किया गया था कॉफी विद करण में कि अगर वो कटरीना कैफ यानी कि सलमान खान से
शादी के ऊपर क्या बोलती हैं, तो आप सभी ने उनका जवाब भी सुना ही होगा जो कि काफी स्मार्टनेस के साथ उन्होंने दिया। जो जवाब ये था कि सलमान खान क्या जवाब देना चाहते हैं, पहले वो जानना चाहेंगी। जी हाँ, यानी कि सलमान खान क्या कहेंगे उसके बाद ही वो कुछ कहेंगी। ये बात साफ है कि कटरीना कैफ मना नहीं कर रही हैं और ना ही हाँ कर रही हैं। हालांकि तमाम जो खबरें थी वो कॉफी विद करण में ये सारी चैट हुई। आप सभी ने जाना कि कैसे कटरीना कैफ और सलमान खान से जुड़ी तमाम कुछ रिपोर्ट्स वायरल रही, और साथ ही सलमान खान कैसे रेस 3 के साथ खबर हुए हैं। और दोस्तों, जल्द ही सलमान खान आप पर्दे पर नजर आएंगे रेस 3 के लिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल Next9News के साथ, और साथ ही आज के इस बेहद खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल Next9News के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।